हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोलकाता स्टाइल चिकन दम बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए देखते हैं घर पे कैसे इसे आसानी से बना सकते हैं। पहले हम चावल बना के तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे पानी गर्म कर ली हूँ। अभी इसमें हम डालेंगे शाही जीरा, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, चक्री फूल और तेजपत्ता। नमक हम 1.5 चम्मच डालेंगे और इसे छोड़ देंगे पानी में उबाल आने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अभी उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अभी जो हम सारे खड़े मसाले डाले थे इस तरह से हम छान लेंगे एक प्लेट में। और ये सारी चीज़ों को आप फेंकना नहीं, आप इसे ड्राई करके रख सकते हैं और बाद में इसे यूज़ भी कर सकते हैं। अभी मैं डाल रही हूँ 2 कप बासमती राइस, जिसे मैं आधा घंटे के लिए ऑलरेडी भिगो के रखा था। अभी इसे हम थोड़ा सा मिला लेते हैं और चावल को आधा पका लेते हैं। चावल अभी आधा पक गया है तो अभी हम चावल को छान लेंगे। अभी इसे कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं और चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे 750 ग्राम चिकन ले रही हूँ। अभी इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। लाल मिर्च का पाउडर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। बिरयानी मसाला 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, दही डालेंगे 1 कप, सरसों का तेल डालेंगे 1 चम्मच और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अभी इसे ढक के हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई गरम कर ली हूँ। अभी इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल। सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। तेल अच्छी तरीके से गरम करने के बाद अभी इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैं लंबे लंबे स्लाइस में कट कर ली हूँ। अभी इसे सुनहरा होने तक हम इसे भून लेंगे। प्याज अभी अच्छी तरीके से सुनहरा हो गया है। अभी इसे निकाल के थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हहैं। सेम तेल में हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैं 2 पीस में कट कर ली हूँ। कोलकाता बिरयानी में आलू और अंडे ये दोनों ज़रूर यूज़ करते हैं, तो आप भी इसे ट्राई करें, ये भी अच्छा लगेगा। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल के इसे अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अभी इसे भी निकाल के साइड में रख देंगे। अभी मैं डालूंगी उबले हुए अंडे 4 और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। अभी इसे निकाल के साइड में रख देते हैं। सेम तेल में हम डालेंगे इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ता। इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज 1 बड़े साइज़ का, जिसे मैं स्लाइस में कट कर ली हूँ, और प्याज सुनहरा होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज अभी अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच बिरयानी का मसाला और 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे, जब तक इसका कच्चा स्मेल निकल जाए। इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिलाते हुए हाई फ्लेम में 7 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसे हम ढक देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे जो आलू और अंडे को हम भून के रखे थे। मिल्क पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, बिरयानी का मसाला 1/2 चम्मच और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसके ऊपर हम जो प्याज को तल के रखे थे उसको थोड़ा सा इस तरह सा डाल देंगे और जो चावल को भी उबाल के रखे थे उसको डाल देते हैं और चारों तरफ अच्छी तरीके से इसे हम फैला देंगे।
इसके ऊपर बचे हुए प्याज को भी डाल देंगे। मैं यहाँ पे केसर को पानी में थोड़ा सा सोक करके रखा था तो उसको भी डाल देते हैं। तेल एक चम्मच डाल देंगे ऊपर इस तरह सा, और इसे ढक के हम दम पे पकाएंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। ध्यान रखें गैस के फ्लेम को एकदम लो में रखें। 20 मिनट के बाद हमारा बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।